गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। और ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम रहता है यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस को लेके। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको यहाँ से बैठ के उनका जवाब दें ताकि आपको लाभ हो सके। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स। हम रेगुलरली IVF, ब्लास्टोसिस ट्रांसफर, मेल इनफर्टिलिटी, एजोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट, नील स्पर्म का ट्रीटमेंट और बच्चों में होने वाली आनुवंशिक और जेनेटिक बीमारियों का रोकथाम के बारे में काफ़ी काम करते हैं। हमारे पास बहुत एडवांस जेनेटिक लैब भी है। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एडिनोमायोसिस का क्या ट्रीटमेंट है? एडिनोमायोसिस का मतलब क्या है वो पहले देख लिया। एडिनो का मतलब होता है ग्लैंड और मायो का मतलब होता है मसल। तो जो बच्चेदानी है उसमें जो बच्चेदानी की लाइनिंग रहती है इसमें ग्लैंड रहती है, जिससे ये बच्चे को जब भ्रूण आता है उसमें से सिक्रीशन पदार्थ रिस के उसको सपोर्ट करता है। अब यही ग्लैंड यदि मसल के अंदर घुस जाए तो आप क्या देखोगे कि ये जैसे यहाँ से ये रिस के बाहर आ जाता है पीरियड के रूप में, पूरा ग्लैंड सहित बाहर आ जाता है। यहाँ पर यदि ग्लैंड बने तो उनका जो सिक्रीशन है, उनका जो बनने वाला पदार्थ, वो इकट्ठा होने लगता है। जब ये इकट्ठा होने लगता है तो ये बच्चेदानी का रूप, रंग, रूप और आकार में गड़बड़ करता है। फिर इसमें बच्चा बैठने का भी चांस घट जाता है क्योंकि मसल में प्रॉब्लम होती है तो कई बार फेंक देता है। अब जब ये डिफ्यूज एंडोमेट्रियोसिस या फिर लोकलाइज्ड एंडोमेट्रियोसिस होती है तो IVF करने के बाद भी जब हम इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं या नेचुरल प्रेगनेंसी में भी, तो प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट, यदि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, बच्चा नहीं चाहिए, तो एक तो है कि बच्चा यदि हो चुका, फैमिली कंप्लीट हो चुकी, तो ऑपरेशन करा लीजिए क्योंकि ये ठीक नहीं होगा। दूसरा, यदि बच्चा नहीं हुआ है, मैरिज हो चुकी और बच्चा चाहिए, यूट्रस रखना है और यदि नहीं हो रहा है, तो हम पहले IVF करके एम्ब्रियो बना लेते हैं, फिर इस बच्चेदानी के ग्लैंड को सुखाने के लिए 3 महीने का एक ट्रीटमेंट देते हैं तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर उसके बाद में बच्चेदानी की लाइनिंग को ठीक करके हम बच्चेदानी के भीतर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ये IVF का ट्रीटमेंट होता है एडिनोमायोसिस में। अदरवाइज एडिनोमायोसिस का ऑपरेशन करके ट्रीटमेंट करना बड़ा कठिन है। तीसरी बात, यदि एडिनोमायोसिस में ब्लीडिंग बहुत हो रही है और बच्चेदानी रखना है तो हम यहाँ पर मिरेना भी लगाते हैं। मिरेना एक इंट्रायूटराइन डिवाइस है जिसमें दवाई रहती है। मुझे MRKS सिंड्रोम है, इसका क्या इलाज है? ओके, MRKH सिंड्रोम का बेसिकली जो मतलब होता है मेयर रॉकेटेंस्की कुस्टर हॉसर सिंड्रोम, इसको मुलेरियन एजेनेसिस भी बोलते हैं। मुलेरियन का मतलब होता है बेसिकली जो यूट्रस से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती, बच्चेदानी हो गया, उसका मुंह हो गया, सर्विक्स हो गया, ट्यूब हो गया, ये नहीं बनती, बट उसके बाजू में जो ओवरी है वो बनती है, उसमें अंडाशय में अंडे रहते हैं। अब चूंकि बच्चेदानी नहीं है तो इसको पीरियड नहीं आएगा, बच्चेदानी नहीं है तो खुद बच्चा नहीं कर सकती, पर इसके भीतर जो अंडे हैं उनको बाहर निकाल के यदि, या तो वो अंडों को आप फ्रीज कर लीजिए, और यदि आप मैरिड या मैरिज होती है तो हस्बैंड के साथ में उसको मिला के भ्रूण बना लें। इस भ्रूण को आप किसी सरोगेट के बच्चेदानी में, किसी दूसरी महिला के बच्चेदानी में बिठा के वो डिलीवर करेगी, बट यहाँ जो हस्बैंड वाइफ है इनका जेनेटिक मटेरियल से बच्चा होगा, इसको सरोगेसी बोलते हैं। ये एक टेक्निक है जो हम करते हैं। दूसरी बात, आजकल बहुत ही कम जगह पे होता है कि हम बच्चेदानी का ट्रांसप्लांट कर दें, तो यूट्राइन ट्रांसप्लांट एक नया मेथड हो रहा है धीरे धीरे, बट ये ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट करना, इसका खर्च वहन करना, उसके बाद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, सबके बस का नहीं रहता। इसलिए MRKH सिंड्रोम में प्रेगनेंसी रिलेटेड ये ट्रीटमेंट है। अब सपोज इसकी मैरिज होती है तो चूंकि नीचे वजाइना भी नहीं बनता इसका, तो योनि बनाने के लिए हम यहाँ पर एक ऑपरेशन करते हैं, उसको वजाइनोप्लास्टी बोलते हैं।
मैरिज के ठीक पहले यदि ये जगह बना दिया जाए तो हस्बैंड के साथ रहने में आसानी होती है, बट इस इंटरकोर्स में प्रेगनेंसी नहीं होगी, बच्चा नहीं होगा, कंसेप्शन नहीं होगा, बट वैवाहिक सुख मिल सकता है हस्बैंड और वाइफ को। इसको कराने से एक ये मेंटेनेंस हो जाता है मैरिज के बाद में, और यदि बच्चा करना है तो ये टेक्निक है। डीसीडीए प्रेगनेंसी में डुअल मार्कर करवाना चाहिए? ये डीसीडीए का मतलब क्या होता है? डीसीडीए मतलब डाई कोरियोनिक डाई एमनियोटिक, मतलब दो फूल से बने बच्चे, एक ये प्रेगनेंसी एक ये प्रेगनेंसी, ये बच्चा भीतर एक ये बच्चा, दोनों अलग अलग अंडे से बने। अब जब हम डबल मार्कर कराते हैं तो डबल मार्कर में इस प्लेसेंटा से निकला हुआ पदार्थ पैपे और फ्री बीटा एचसीजी, इसका टेस्ट करते हैं। इस हिसाब से हम इसमें डाउन सिंड्रोम का टेस्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ चूंकि दो प्लेसेंटा हैं तो इसका मात्रा भी एक से ज़्यादा होगा, और इसकी रिपोर्ट इसके लिए होगी कि इसके लिए होगी वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, पर कुछ लैब ये करके देती है। बट डेफिनेटली सिंगल प्रेगनेंसी के हिसाब से डबल प्रेगनेंसी खासकर डीसीडीए में ये उतनी कारगर नहीं होती, मैं पर्सनली इसको अवॉइड करता हूँ। यूनिकॉर्नेट यूट्रस में आईवीएफ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यूनिकॉर्नेट का मतलब होता है कि एक ही हॉर्न बनना, दूसरा जो हॉर्न बनना था वो नहीं बना, मतलब ये दोनों मिलके एक आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बच्चेदानी ऐसे बनती है। अब ये यदि इससे पीरियड आ रहा हो और इसकी यदि ट्यूब अच्छी हो तो कई बार तो नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। कई बार ऑपरेशन करते समय, सीजर करते समय पता चलता है कि इसको यूनिकॉर्नेट यूट्रस था। अब यदि ये ट्यूब बंद है और बंडाशय अच्छा है, यदि इसकी लाइनिंग अच्छी है तो डेफिनेटली इसमें हम भ्रूण भी बिठा सकते हैं। अभी हमने एक बाइकॉर्नेट यूट्रस में जिसमें दोनों हॉर्न थे बट अलग अलग थे, एक में बिठाया तो इसमें प्रेगनेंसी हुई। बीटा एचसीजी 1100 था, हार्ट बीट आकर चली गई। ओके, बीटा एचसीजी 1100 था, 1100 इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज जो बीटा एचसीजी के लिए ये जो जेस्टेशनल सैक है, इसका जो प्लेसेंटा है जो इधर बैठा था अंदर, ये जो प्लेसेंटा, इससे बीटा एचसीजी बनता है। अब इसके भीतर जो बच्चा है उसमें यदि कोई जेनेटिक डिफेक्ट होगा तो नेचर उसको स्विच ऑफ कर देती है, तो अधिकतर बीटा एचसीजी तो पॉजिटिव आएगा प्लेसेंटा के कारण, पर जो बच्चा एक्चुअल है जो इनर सेल मास से बनता है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम होने के कारण ये स्विच ऑफ होता है, इसलिए हार्ट बीट बंद हो जाती है। इसको लेके बहुत डिस्टर्ब नहीं होते, नेचर का एक लॉ होता है कि बच्चा हो तो अच्छा हो एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिटेस्ट हो वो सर्वाइव करे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, Instagram में हमें फॉलो करिए, ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस हर सप्ताह मिले और नए आंसर्स मिले। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।